नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 22 भाग 2 तक देखा। भाग 2 में आपने पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले विभिन्न हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। उनमें से आपने पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले दो हार्मोन्स के कार्यों के बारे में पढ़ा, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेशन के कार्यों के बारे में पढ़ा। अब हम भाग 3 में उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स और उनके कार्य। टॉपिक शुरू करने से पहले जो भाग 2 में आपसे क्वेश्चंस किए गए थे उनके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया गया था, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स के संश्लेषण और उसके स्राव का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया गया था कि पीयूष ग्रंथि को कितने भागों में बांटा गया है? तो पीयूष ग्रंथि को दो भागों में बांटा गया है, एडिनो हाइपोफाइसिस यानी अग्र पीयूष ग्रंथि और दूसरा न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी पश्च पीयूष ग्रंथि। तीसरा क्वेश्चन किया गया था, एडिनो हाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स के नाम कौन कौन से हैं? तो एडिनो हाइपोफाइसिस से कुल 7 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिनमें पहला है ग्रोथ हार्मोन, दूसरा प्रोलैक्टिन, तीसरा थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, फिर एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन और पांचवा फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, छठवां ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और सातवां MSH यानी मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये 7 प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है अग्र पीयूष ग्रंथि से। चौथा आपसे क्वेश्चन किया गया था कि पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं? तो पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेशन। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था कि प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो प्रसव पीड़ा यानी लेबर पेन को प्रोड्यूस करने के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन किसे कहते हैं? तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेशन को कहते हैं। और फिलहाल सबसे क्वेश्चन किया गया था कि उदक में यानी डायबिटीज इंसिपिडस किस हार्मोन की कमी से होता है? तो यह भी एंटी डायूरेटिक यानी वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से होता है। बस इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसके आंसर्स आपको बता दिए गए। अब आते हैं हम भाग 3 के टॉपिक पर, जो कि है अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स और उनके कार्य। आपने प्रीवियस वीडियो में पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले दो हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेशन के कार्यों के बारे में पढ़ा था। अब हम अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले विभिन्न हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आपका हेडिंग है अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स, देखिए अग्र पीयूष ग्रंथि यानी एडिनो हाइपोफाइसिस में 5 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो 7 प्रकार के हार्मोन्स का स्राव करती हैं। 5 प्रकार के कोशिका जो 7 प्रकार के हार्मोन्स का स्राव करते हैं। याद करिए, अग्र पीयूष ग्रंथि यानी एडिनो हाइपोफाइसिस द्वारा 7 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, क्योंकि अग्र पीयूष ग्रंथि में 5 विशेष प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती हैं जो इन 7 हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। इनमें से कौन कौन सी कोशिकाएं हैं? 5 प्रकार की कोशिकाओं के आपके नाम याद करना होगा। तो सबसे पहला आता है सोमैटोट्रॉफ से रिलीज होता है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन या मानव वृद्धि हार्मोन यानी इसे हम कहते हैं HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, या इसे हम सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन STH। याद करिए, सबसे पहला जो कोशिका है, 5 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिनमें सबसे पहला कोशिका सोमैटोट्रॉफ जो कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? मानव वृद्धि हार्मोन या सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। दूसरा थायरोट्रॉफ थायरोट्रॉप्स से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इससे स्रावित होता है थायराइड प्रेरक हार्मोन,
यानी TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा कोशिका है कॉर्टिकोट्रॉफ, कॉर्टिकोट्रॉफ कॉर्टिकोट्रॉफ जो कोशिका है उससे दो प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होता है, एक तो ACTH यानी एड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन और दूसरा MSH यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि पश्चपीयूष ग्रंथि स्रावित करती है अग्रपीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया। तो MSH जो स्रावित होता है वो पार्स इंटरमीडिया के द्वारा होता है। चौथा कोशिका लैक्टोट्रॉफ, लैक्टोट्रॉफ जो कोशिका है वो सिक्रीट करता है PRL यानी प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं या हम इसे ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं, ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं। पांचवा गोनेडोट्रॉफ कोशिका, गोनेडोट्रॉफ कोशिका दो हार्मोन्स का स्राव करती है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग यानी प्रेरक हार्मोन। फॉलिकल को हम पुटिका भी कहते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, ठीक है। और दूसरा LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी सिक्रेशन ये करता है, ठीक है। इस प्रकार से अग्रपीयूष ग्रंथि में पांच प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 सोमैटोट्रॉफ, थायरोट्रॉफ, कॉर्टिकोट्रॉफ, लैक्टोट्रॉफ और गोनेडोट्रॉफ। इनसे कुल 7 प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है। पहला मानव वृद्धि हार्मोन या सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, दूसरा थायराइड प्रेरक हार्मोन, तीसरा एडिनोकॉर्टिको हार्मोन, चौथा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पांचवा प्रोलैक्टिन या लैक्टोजेनिक हार्मोन या ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन, छठवां फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और सातवां ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कुल 7 प्रकार के हार्मोन्स का स्राव अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। पश्चपीयूष ग्रंथि द्वारा 2 हार्मोन्स का स्राव ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, जिनके बारे में भाग 2 में आपको बता दिया गया था। अब हमें यहाँ पर एक एक को पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे सोमैटोट्रॉफ से रिलीज होने वाला हार्मोन मानव वृद्धि हार्मोन यानी सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, फिर उसके बाद हम इन्हें पढ़ेंगे। देखिए एक चीज़ और आपको बता दें, यहाँ पर आप अगर देखें तो मानव वृद्धि हार्मोन को छोड़कर बाकी सभी में कहीं ना कहीं स्टिमुलेटिंग शब्द यूज किया गया है। स्टिमुलेटिंग ठीक है, लैक्टोजेनिक और यहाँ पर स्टिमुलेटिंग। ये स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है कि प्रेरित करना, किसी अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करना। ध्यान से समझिएगा, अग्रपीयूष ग्रंथि में 5 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनसे 7 प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है, जो विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं तथा कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्यों का भी नियंत्रण करते हैं। जैसे अगर आप इन चारों को देखें तो इन चारों को हम कहते हैं पीयूष ट्रॉपिन या ट्रॉपिक भी कहते हैं, पीयूष ट्रॉपिन कहिए या ट्रॉपिक कहिए,
पिट्यूटरी ट्रोपिन कहते हैं। क्यों कहते हैं पिट्यूटरी ट्रोपिन इन चारों को, क्यों इन चारों को पिट्यूटरी ट्रोपिन कहते हैं? क्योंकि ये ऐसे हार्मोन हैं, ऐसे हार्मोन जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्यों का नियंत्रण करते हैं, और ऐसे हार्मोन को हम ट्रोपिन कहते हैं, ट्रोपिन। तो चूंकि ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित है इसलिए हम इसे पीयूष ट्रोपिन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रोपिन हार्मोन किसे कहते हैं तो आप कहेंगे ऐसे हार्मोन्स जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्यों का नियंत्रण करते हैं। अब इसका मतलब समझिए, जैसे यहां पर देखिए थायराइड प्रेरक हार्मोन यानी TSH थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ये एक हार्मोन है जो निकलता है पीयूष ग्रंथि से, लेकिन ये हार्मोन शरीर के अन्य क्रियाओं को करने के साथ साथ क्या करता है, थायराइड ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि होती है ना हमारे शरीर में, आपको बताया है थायराइड ग्रंथि फिगर बना के भाग एक में, तो ये जो हार्मोन है थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है कि आप हार्मोन का स्राव करो। यानी ये एक ऐसा हार्मोन है, ये ऐसा हार्मोन है जो किसी अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्यों का नियंत्रण करता है। समझ में आया? यानी पीयूष ग्रंथि किसी अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्य को निर्देशित कर सकता है अपने हार्मोन्स के माध्यम से। अब ये एक एग्जांपल बताएं कि थायराइड प्रेरक हार्मोन थायराइड ग्रंथि के कार्यों का नियंत्रण करता है, ACTH क्या करता है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ये एड्रिनल ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करता है, MSH क्या करता है ये त्वचा की ग्रंथियों पर कार्य करते हैं, प्रोलैक्टिन क्या करता है तो प्रोलैक्टिन मुख्य रूप से तो अस्तन ग्रंथियों पर कार्य करता है, मैमरी ग्लैंड पर कार्य करता है, दुग्ध ग्रंथियों पर कार्य करता है, साथ ही साथ कॉर्पस ल्यूटियम को भी प्रेरित करता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये भी क्या करता है फीमेल्स में उनके ओवरी में जो फॉलिकल बनता है उनको प्रेरित करता है हार्मोन सिक्रेट करने के लिए। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी फीमेल्स में उनके अंडाशय को प्रेरित करता है हार्मोन सिक्रेट करने के लिए, और मेल्स में उनके वृषण को या उनके अंतराली कोशिका को प्रेरित करता है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित करने के लिए। यानी ये जितने भी हार्मोन्स हैं वो किसी अन्य ग्रंथि के हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करते हैं, ऐसे हार्मोन्स को हम ट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। बस अभी आप पहले इतना याद करेंगे फिर हम एक एक को पढ़ेंगे, मानव वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है, इसकी कमी से क्या हो सकता है, ज़्यादा से क्या हो सकता है। तो पहले आप इतना लिखें कि अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स, और लिखेंगे अग्रपीयूष ग्रंथि में 5 विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनसे 7 प्रकार के हार्मोन्स का श्रावण होता है। ये हार्मोन्स शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के साथ साथ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों का भी नियंत्रण करते हैं। लिखेंगे पीयूष ग्रंथि के स्राव का नियंत्रण हाइपोथैलमस से स्रावित होने वाले हार्मोन्स द्वारा होता है। जब हाइपोथैलमस से हार्मोन्स निकलते हैं तो अग्रपीयूष ग्रंथि में उपस्थित ये कोशिकाएं उत्तेजित होती हैं जिनसे ये हार्मोन्स स्रावित होते हैं। फिर अगले लाइन से लिखेंगे अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले या अग्रपीयूष ग्रंथि में पाए जाने वाले 5 प्रकार के कोशिका और उनसे स्रावित होने वाले 7 प्रकार के हार्मोन्स निम्न हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसा करके आप सामने ऐसे लिख लेंगे। बस यहां तक लिखने के बाद अब हम आपको पहले समझाएंगे कि मानव वृद्धि हार्मोन, सबसे पहला हम बताएंगे यही मानव वृद्धि हार्मोन क्या है, क्या कार्य करता है, फिर उसके बाद हम एक एक हार्मोन्स के बारे में बताएंगे। मानव वृद्धि हार्मोन इसके शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि ये कौन सा हार्मोन है, ये हमारे शरीर की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्रोथ के लिए। ये क्या करते हैं, हमने आपको शुरू में बताया था चैप्टर नंबर 8 में कोशिका में हमारा पूरा शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से। फिर चैप्टर 10 में मैंने आपको बताया था कि जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, जब कोशिका की संख्या बढ़ेगी तो हमारा आकार भी बढ़ेगा,
अब अगर एक पेन है दो पेन हो जाए आकार बढ़ गया, अब इसके साथ साथ तीसरा पेन आ जाए आकार और बढ़ गया, चौथा पेन आ जाए आकार और बढ़ गया। देखिए हमारे हाथ में भी नहीं आ रहा है एक हाथ में। तो इसी प्रकार से जब एक मान लीजिए ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बनाती है, आकार बढ़ा, दो कोशिका विभाजित होकर चार कोशिका बनाती है और आकार बढ़ा, तो हमारा पूरा शरीर भी क्या होता है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अगर कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो कोशिका की संख्या बढ़ेगी और संख्या बढ़ेगी तो हमारा आकार भी बढ़ेगा। यानी ये जो हार्मोन होता है वृद्धि हार्मोन, वो हमारे शरीर की कोशिकाओं को विभाजन के लिए प्रेरित करता है जिससे वृद्धि हो सके। एक निश्चित आयु तक ही वृद्धि होती है, इसके बाद वृद्धि रुक जाती है। अब कोशिका के विभाजन के लिए क्या क्या जरूरी है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। तो ये कोशिका विभाजन प्रेरित करने के साथ साथ प्रोटीन, आरएनए, डीएनए के संश्लेषण को भी प्रेरित करती है, क्योंकि अगर डीएनए नहीं बनेगा तो कोशिका विभाजन नहीं होगा, आरएनए नहीं बनेगा तो कोशिका विभाजन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा तो कोशिका विभाजन नहीं होगा। तो प्रोटीन, आरएनए, डीएनए इन सभी के संश्लेषण को प्रेरित करता है, ठीक। यानी मानव वृद्धि हार्मोन हमारे शरीर की कोशिकाओं के विभाजन को प्रेरित करता है, साथ ही साथ प्रोटीन, आरएनए, डीएनए के संश्लेषण को प्रेरित करता है जिससे शरीर की वृद्धि हो सके, हड्डियों की वृद्धि हो सके, अस्थियों की वृद्धि हो सके तथा जो क्षतिग्रस्त ऊतक हैं उनका मरम्मत भी हो सके। साथ ही साथ यह हार्मोन हमारे शरीर में कैल्शियम आयन की मात्रा का भी नियंत्रण करता है, एक उचित मात्रा बनाए रखता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए, मानव वृद्धि हार्मोन या सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन हमारे शरीर की कोशिकाओं में विभाजन को प्रेरित करता है तथा प्रोटीन, आरएनए, डीएनए के संश्लेषण को भी प्रेरित करता है जिससे शरीर की वृद्धि हो सके व हमारे शरीर के अस्थियों, पेशियों तथा ऊतकों की मरम्मत भी हो सके। फिर आगे लिखेंगे कि मानव वृद्धि हार्मोन हमारे शरीर में कैल्शियम आयन की उचित मात्रा का भी को भी बनाए रखते हैं। अब आप हेडिंग डालेंगे वृद्धि हार्मोन की कमी से होने वाले रोग, वृद्धि हार्मोन की कमी से होने वाले रोग। वृद्धि हार्मोन, देखिए हमने बताया ना वृद्धि हार्मोन चाहिए ही चाहिए, अगर शरीर में वृद्धि होनी है तो इसके लिए ये हार्मोन चाहिए। अगर ये हार्मोन ना हो, आप समझ गए होंगे, वृद्धि नहीं होगी, सही है। तो वृद्धि हार्मोन की कमी से दो रोग हो सकते हैं, एक होता है जो कि बाल्यावस्था के समय होता है जिसे हम कहते हैं बौनापन, इसे इंग्लिश में डॉर्फिज्म या फिर इसे मिजेट्स कहते हैं। ये होता है बाल्यावस्था में अगर वृद्धि हार्मोन सिक्रीट नहीं होता है तब। बाल्यावस्था में वृद्धि हार्मोन की कमी से शरीर की वृद्धि रुक जाती है और शरीर की वृद्धि रुक जाएगी तो व्यक्ति बौना हो जाता है। ये रोग कहलाता है बौनापन या डॉर्फिज्म या मिजेट्स। बौने जो व्यक्ति होते हैं वो नपुंसक होते हैं, बांझ होते हैं। बौने व्यक्ति नपुंसक यानी बांझ यानी स्टेराइल होते हैं, ये संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे वृद्धि हार्मोन की कमी से होने वाले रोग, पहला आप हेडिंग डालेंगे बौनापन या डॉर्फिज्म या मिजेट्स। लिखेंगे बाल्यावस्था में वृद्धि हार्मोन की कमी से शरीर की वृद्धि रुक जाती है और ऐसी अवस्था में व्यक्ति बौना हो जाता है। फिर आगे लिख सकते हैं बौने व्यक्ति नपुंसक या बांझ या स्टेराइल होते हैं। दूसरा जो रोग है उसे हम कहते हैं साइमन डिजीज या इसे एक और नाम से जाना जाता है पीयूष मिक्सिडीमा। पिट्यूटरी मिक्सिडीमा और इसे हम साइमन रोग भी कहते हैं, साइमन डिजीज। साइमन डिजीज
याद रखिए, हमने आपको बताया वृद्धि हार्मोन एक आयु तक ही शरीर की वृद्धि कर पाने में सक्षम होता है, किशोरावस्था के बाद वृद्धि रुक जाती है। तो ये जो रोग आपको दर्शाया गया है वो है किशोरावस्था के समय होता है। किशोरावस्था में अगर इस हार्मोन की कमी होती है तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वृद्धि तो ऑलरेडी हो चुकी है। अब हमारी हाइट अगर 5.6 है तो उससे ज़्यादा थोड़े बढ़ पाएगा, हो गया जितना वृद्धि होना था, अब इसके बाद वृद्धि नहीं होती। तो अगर इस समय किशोरावस्था के समय अगर वृद्धि हार्मोन की कमी होती है तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शरीर के भार में कमी हो सकती है अगर ये हार्मोन्स कम होता है। तो शरीर के भार में कमी होने से व्यक्ति अत्यधिक दुर्बल हो जाएगा, और इसी रोग को, व्यक्ति दुर्बल भी हो जाता है और समय से पहले बूढ़ा भी हो जाता है, इस रोग को ही हम कहते हैं पीयूष मिक्सीडीमा या साइमंड रोग। ठीक है, तो साइमंड रोग किशोरावस्था में, बौनापन बाल्यावस्था में। बौनापन यानी जब छोटे बच्चे होते हैं तब अगर उसमें वृद्धि हार्मोन की कमी होती है तो उनकी हाइट या उनकी पूरी वृद्धि रुक जाती है, पूरे शरीर की वृद्धि रुक जाती है और वो बौने हो जाते हैं। लेकिन अगर किशोरावस्था में वृद्धि हार्मोन्स की कमी होती है तो कोई खास विशेष पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भार में कमी हो जाती है जिससे व्यक्ति अत्यधिक दुर्बल हो जाता है, समय से पहले बूढ़ा हो जाता है, और इसी रोग को हम पीयूष मिक्सीडीमा या साइमंड डिजीज या साइमंड रोग कहते हैं। तो आप दूसरा हेडिंग डाल के लिखेंगे पीयूष मिक्सीडीमा या साइमंड रोग, और लिखेंगे कि किशोरावस्था में वृद्धि हार्मोन की कमी से कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी कमी से कुछ लोगों में भार में कमी आ जाती है जिससे शरीर दुर्बल हो जाता है तथा समय से पहले व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। इस रोग को ही पीयूष मिक्सीडीमा या साइमंड रोग कहते हैं। ये तो हो गया कमी से होने वाले रोग। अब अगर ये हार्मोन और ज़्यादा निकलने लगे तब क्या होगा? आप सही समझ रहे हैं, वृद्धि हार्मोन कम निकलेगा तो बौना, और वृद्धि हार्मोन बहुत ज़्यादा निकला तो काफ़ी हैवी शरीर हो जाएगा। और ऐसे में दो कंडीशन होता है, एक बाल्यावस्था के समय और एक किशोरावस्था के समय। तो जो बाल्यावस्था के समय होता है उसे हम कहते हैं महाकायता। इस रोग को कहते हैं इंग्लिश में गिगेंटिज्म, महाकायता। ये होता है बाल्यावस्था में। अगर बाल्यावस्था में वृद्धि हार्मोन आवश्यकता से अधिक मात्रा में निकलने लगे तब ग्रोथ ज़्यादा होने लगता है, व्यक्ति की लंबाई सीमा से भी अधिक हो जाती है, व्यक्ति की लंबाई एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है, काफ़ी लंबा व्यक्ति हो जाता है। तो ऐसा कब होगा? जब बाल्यावस्था में ये हार्मोन्स अधिक निकलने लगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आप हेडिंग डाल के लिखेंगे वृद्धि हार्मोन की अधिकता से होने वाला रोग। इसमें महाकायता पहला हेडिंग डालेंगे, गिगेंटिज्म, और समझेंगे पहले याद करेंगे। महाकायता यानी गिगेंटिज्म का मतलब होता है जब बाल्यावस्था में वृद्धि हार्मोन अधिक निकलने लगती है तो व्यक्ति की लंबाई एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है। यहाँ पर सीमा का मतलब लिमिट है, सीमा लड़की नहीं। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि सीमा की हाइट 5 फीट है तो इससे ज़्यादा हो गया। यहाँ पर सीमा का मतलब लिमिट, एक लिमिट होती है 5.6, 5.7, 5.8 तक, उससे ज़्यादा अगर होती है तो ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति में वृद्धि हार्मोन अधिक हो गया, और उससे भी बहुत ज़्यादा होने पर ही यह रोग कहा जाता है कि महाकायता यानी गिगेंटिज्म हो गया है। नेक्स्ट जो डिजीज आता है वो है अग्रातिकायता, अग्रातिकायता जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्रोमिगैली। अब इस रोग में क्या होगा? तो ये रोग होता है किशोरावस्था के समय, किशोरावस्था के समय जब एडल्ट हो जाता है। किशोरावस्था का मतलब एडल्ट। तो किशोरावस्था के समय अगर वृद्धि हार्मोन अधिक निकलता है तब उसके नाक थोड़े फूल जाते हैं, कान फूल जाते हैं, और उसके हाथ पैर काफ़ी चौड़े चौड़े होते हैं। ठीक है, तब जूता 7 नंबर का नहीं 10 नंबर से ऊपर का लगेगा। तो इस रोग को हम कहते हैं अग्रातिकायता, कि किशोरावस्था के समय अगर वृद्धि हार्मोन्स की अधिक मात्रा होती है तब व्यक्ति की नाक कान फूल जाते हैं, उसके हाथ व पैर अत्यधिक चौड़े हो जाते हैं। बस
हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे वृद्धि हार्मोन की अधिकता से होने वाले रोग, पहला हेडिंग महाकायता, और लिखेंगे गिगेंटिज्म के बारे में कि यह रोग बाल्यावस्था में वृद्धि हार्मोन्स की अधिक स्राव होने की वजह से होता है। इस रोग में व्यक्ति की लंबाई एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है। नेक्स्ट आप लिखेंगे अग्रातिकायता यानी एक्रोमिगेली, लिखेंगे किशोरावस्था में वृद्धि हार्मोन्स के अतिस्राव, अतिस्राव मतलब ज़्यादा स्राव, अधिकता से अतिस्राव से व्यक्ति के नाक कान फूल जाते हैं तथा उसके हाथ और पैर काफ़ी चौड़े हो जाते हैं। बस ये था आपका वृद्धि हार्मोन के बारे में संपूर्ण बातें। वृद्धि हार्मोन को और किस नाम से जानते हैं? सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं। बस अब जो चार आने वाले हार्मोन हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? पियोस्ट्रोपिन कहलाते हैं। क्यों पियोस्ट्रोपिन कहलाते हैं? क्योंकि ये ऐसे हार्मोन है जो अन्य हार्मोन्स के अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्यों का नियंत्रण करते हैं। तो आप पहले हेडिंग डाल के यही बात लिखेंगे, पियोस्ट्रोपिन किसे कहते हैं? पियोस्ट्रोपिन पिट्यूटरी ट्रोपिन, हेडिंग डाल के लिखेंगे कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले वे हार्मोन्स जो शरीर के क्रियाओं का नियंत्रण करने के साथ साथ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्यों का भी नियंत्रण करते हैं, ऐसे हार्मोन को पीयूष ट्रोपिन या ट्रॉपिक हार्मोन्स कहा जाता है। अब आप दूसरा आपने जो हार्मोन्स पढ़ा है उसके बारे में आते हैं, जो कि है थायराइड प्रेरक हार्मोन। थायराइड प्रेरक हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में आपको आगे बताया जाएगा, नहीं अभी तो इसके बारे में बताया जाएगा। ये क्या करता है? थायराइड ग्रंथि के स्राव को प्रेरित करता है। लेकिन अब जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स है उसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। यहां पर चूंकि हम पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पीयूष ग्रंथि का जो दूसरा हार्मोन है वो है थायराइड प्रेरक हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमें यहां पर इसका सिर्फ कार्य पढ़ना है। तो ये क्या करता है थायराइड प्रेरक हार्मोन? क्या करता है? जो हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि होती है उसके स्राव को प्रेरित करता है। थायराइड ग्रंथि उसके स्राव को प्रेरित करता है, मतलब ये पीयूष ग्रंथि से निकला और आया थायराइड ग्रंथि और इसको उठाया, भैया उठो ये वाला हार्मोन्स आपको स्रावित करना है। यानी ये क्या करता है? थायराइड ग्रंथि के पास आकर थायराइड ग्रंथि को निर्देश देता है कि आप हार्मोन्स का सिक्रेशन करिए। फिर तीसरा आता है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन या इसे कॉर्टिकोट्रोपिन भी कहते हैं, कॉर्टिकोट्रोपिन भी कहते हैं, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और कॉर्टिकोट्रोपिन से शॉर्ट फॉर्म में ACTH कहते हैं। अब एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी क्या करता है? हमारे एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग को नियंत्रित करता है। और खुद क्या है? एक पॉलीपेप्टाइड है यह हार्मोन, एक पॉलीपेप्टाइड है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का उदाहरण बताइए, तो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का उदाहरण एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग को नियंत्रित करता है। हमारा एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? वृक्क के ऊपर, दो पाए जाते हैं, दोनों वृक्क के ऊपर पाए जाते हैं। ये क्या करता है? यह हार्मोन उस ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग को नियंत्रित करता है कि कौन सा हार्मोन स्रावित करना है, कौन सा नहीं करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है चौथा गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन या इसे हम गोनेडोट्रोपिन भी कह सकते हैं, गोनेडोट्रोपिन।
ये हार्मोन हमारे जनन अंगों के कार्यों का नियंत्रण करता है, कह सकते हैं जनन ग्रंथियों के, जनन ग्रंथियों यानी नर में वृषण व मादा में अंडाशय के कार्यों का नियंत्रण करता है। और खुद क्या है, यह ग्लाइकोप्रोटीन है, यह हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, यहां पर आपने इतना पढ़ लिया। अब देखिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन हो गया, गोनैडोट्रॉपिक हार्मोन में आपको दो आएंगे, एक FSH और एक आएगा LH, इनके बारे में आपको पढ़ना है। यानी FSH और LH क्या करते हैं, जनन ग्रंथियों पर कार्य करते हैं, नर में वृषण और मादा में अंडाशय पर कार्यों का नियंत्रण करते हैं, और खुद ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं FSH के बारे में। यहाँ पर आपने लिख लिया गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन या गोनेडोट्रॉपिन के बारे में कि यह जनन ग्रंथियों, नर में विसरण व मादा में अंडाशय के कार्यों को नियंत्रण करता है। यह हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन है। लिखेंगे यह निम्न प्रकार के होते हैं, पहला आप हेडिंग डालेंगे FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको हिंदी में कहते हैं पुटिका प्रेरक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। सबसे पहला पुटिका प्रेरक हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या इसे FSH कहते हैं। FSH का कार्य क्या है, यह हार्मोन अगर आप नर में देखें तो नर में जो वृषण होता है उसमें पाए जाने वाले शुक्र जनन नलिका, जिसे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है, शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी ये सब बातें नहीं समझ में आएगी क्योंकि ये सब आपको पढ़ाया नहीं गया है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है, वृषण क्या होता है, इन सबों के बारे में अभी आपको नहीं पढ़ाया गया, ये 12th में chapter number 3 में बताया जाता है। तो आप चाहे तो वहाँ पर देख लें, क्लियर हो जाएगा क्योंकि आपको पढ़ना तो है ही, अगर वहाँ पर पढ़ के आप फिर इसको पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये जो हार्मोन होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये नर में उसके वृषण में उपस्थित जो शुक्रजनक नलिका होती है उसमें शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है, यानी शुक्राणु के बनने को प्रेरित करता है। ये जो हार्मोन होता है FSH और LH, या किशोरावस्था के शुरुआत होने के 2 साल पहले से ही ये स्रावित होने लगता है और उनमें इन नलिकाओं में वर्क करता है जिससे गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन प्रेरित हो सके। अब वही कर रहा है, यहाँ शुक्राणु जनन को भी हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन भी कहते हैं क्योंकि शुक्राणु एक युग्मक है। तो शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है नर में कौन हार्मोन, FSH, साथ ही साथ यह वृषण की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है। अब यह हार्मोन मादा में किस प्रकार से सहायक होता है, तो मादा में जो अंडाशय है यानी ओवरी उसमें फॉलिकल की वृद्धि के लिए सहायक होता है, फॉलिकल की वृद्धि में सहायक, साथ ही साथ अंडजनन को प्रेरित करता है यानी ओजेनेसिस को प्रेरित करता है। तीसरा, यह मादा हार्मोन एस्ट्रोजन को के स्राव को प्रेरित करता है, एस्ट्रोजन के स्राव को प्रेरित करता है। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी पुटिका प्रेरक हार्मोन, इसका नाम देखिए फॉलिकल का मतलब यही है पुटिका, मेन जो वर्क है वो ये है इसका। मादा के जो अंडाशय होता है ये भी आपको 12th chapter 3 में बताया जाता है कि मादा के जो अंडाशय होता है उसमें हर महीने एक फॉलिकल बढ़ता है, आकार में वृद्धि करता है,
इन हार्मोन की मदद से, FSH हार्मोन्स की मदद से वृद्धि करता है। यह हार्मोन अंडजनन को प्रेरित करता है। अंडजनन मतलब अंडाणु का बनना, ओवम यानी फीमेल गैमेट के बनने को प्रेरित करता है। ये जो अंडाणु होता है वो फॉलिकल के अंदर ही बंद होता है। अब दूसरा, ये जो हार्मोन है FSH, ये मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन का भी श्रावण को उद्दीपित करता है। एस्ट्रोजन अंडाशय के द्वारा ही मुक्त किए जाते हैं। ये हो गया फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स के कार्य। अब ज्यादा डिटेल आपको आगे बताया जाएगा क्लास 12th में। फिलहाल आपको इतना याद करना है, रट डालिए अभी यहाँ पर। नर के वृषण में शुक्रजन नलिका में शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है, साथ ही साथ वृषण की वृद्धि में सहायक होता है। मादा में अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि में सहायक होता है, अंडजनन में को प्रेरित करता है, और मादा हार्मोन एस्ट्रोजन के स्राव को उद्दीपित करता है। बस आप इतना लिखेंगे पुटिका प्रेरक हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स के बारे में, कि यहाँ हार्मोन नर में वृषण के शुक्रजनक नलिका में शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है तथा यह वृषण की वृद्धि में भी सहायक होता है। फिर आगे लिखेंगे, मादा में अंडाशय में उपस्थित फॉलिकल की वृद्धि में सहायक होता है तथा अंडजनन को प्रेरित करता है, साथ ही साथ यह मादा हार्मोन एस्ट्रोजन के स्राव को भी प्रेरित करता है। ये हो गया आपका पुटिका प्रेरक हार्मोन यानी FSH के बारे में। अब दूसरा आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, नहीं इसको हम एक और नाम से जानते हैं, तो पहले वो नाम लिखेंगे। इसे हम कहते हैं अंतराली कोशिका उत्तेजक हार्मोन, अंतराली कोशिका उत्तेजक हार्मोन, या इसे हम ICSH कहते हैं, यानी इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH, या इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो यहां पर अंतराली कोशिका उत्तेजक हार्मोन किसमें कहते हैं, इसी हार्मोन को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH हार्मोन को नर में कहा जाता है अंतराली कोशिका उत्तेजक हार्मोन यानी ICSH कहते हैं। याद रखेंगे ICSH को नर में क्या कहते हैं, LH हार्मोन को नर में ICSH कहते हैं, और LH कहां पर कहा जाता है, मादा में इसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन यानी ICSH नर में अंतराली कोशिका जिसे हम इंटरस्टीशियल सेल कहते हैं, अंतराली कोशिका यानी इंटरस्टीशियल सेल, अंतराली कोशिका यानी इंटरस्टीशियल सेल जो नर के वृषण में पाया जाता है, अंतराली कोशिका इसीलिए कहा जाता है अंतराली कोशिका उत्तेजक हार्मोन। ये हार्मोन नर के अंतराली कोशिका को प्रेरित करता है कि वह स्रावित करे एक हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अंतराली कोशिका उत्तेजक हार्मोन नर के वृषण में उपस्थित अंतराली कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। यह हार्मोन हमारे यानी नर के अतिरिक्त लिंग अंगों की वृद्धि में सहायक होता है। अतिरिक्त लिंग अंग कौन से हैं, तो अतिरिक्त लिंग अंग में वास डिफरेंस यानी शुक्रवाहिनी आती है, प्रोस्टेट ग्रंथि आती है, इन सभी के वृद्धि के लिए यह हार्मोन जरूरी है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नर में अतिरिक्त लिंग अंग में कौन आता है, शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि और अन्य अंग जो जनन में सहायक होते हैं, उन अंगों की वृद्धि के लिए सहायक होता है यह हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो स्रावित करता है अंतराली कोशिका। यह अंतराली कोशिका किस हार्मोन के
उपस्थिति में उत्तेजित होता है, ICSH यानी अंतराली कोशिका उत्तेजक हार्मोन की उपस्थिति में यह कोशिका उत्तेजित होकर यह हार्मोन स्रावित करती है। अब जो LH हार्मोन है मादा में, LH हार्मोन यहाँ पर जो FSH हार्मोन है, देखिए मादा में LH प्लस FSH ये दोनों मिलकर अंडाशय में जो फॉलिकल होता है उसमें उपस्थित अंडाणु के परिपक्व होने में, कह सकते हैं परिपक्व होने में सहायक होता है, अंडाणु के परिपक्व में सहायक होता है, और साथ ही साथ फॉलिकल से अंडाणु के बाहर निकलने, यानी हम सीधे कह सकते हैं अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने को प्रेरित करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने को प्रेरित करता है। यह हर महीने होता है मादाओं में, इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जो कि आपको क्लास 12th में बताया जाएगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये दोनों हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, FSH और LH। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों मिलकर अंडाशय से अंडाणु के मोचन को प्रेरित करते हैं, जिससे अंडाणु अंडाशय से बाहर आ जाता है। इस प्रक्रिया को हम अंडाणु क्षरण यानी ओवुलेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो LH और FSH मादा में अंडाणु के परिपक्व होने में सहायक होता है, और साथ ही साथ अंडाशय से बाहर निकलने में भी सहायता करता है। अब इसमें आप हार्डिनल के लिखेंगे, अंतराली कोशिका उत्तेजक हार्मोन में लिखेंगे, यह हार्मोन पहले तो ये लिखेंगे कि LH हार्मोन नर में अंतराली कोशिका उत्तेजक हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तथा मादा में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। फिर अगले लाइन से लिखेंगे, नर में अंतराली कोशिका उत्तेजक हार्मोन वृषण में उपस्थित अंतराली कोशिकाओं को नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के स्राव को प्रेरित करता है। टेस्टोस्टेरोन नर के अतिरिक्त लिंग अंगों की वृद्धि में सहायक होते हैं। फिर आगे लिखेंगे, शुक्र वाहिनी यानी वास डिफरेंस कॉमा प्रोस्टेट ग्रंथि ये सभी नर के अतिरिक्त लिंग अंग होते हैं। फिर आगे लिखेंगे, मादा में LH FSH के साथ मिलकर अंडाणु के परिपक्वन में सहायता करता है, साथ ही साथ यह अंडाशय से अंडाणु के मोचन को भी प्रेरित करता है, जिसे अंडाणु क्षरण यानी ओव्यूलेशन कहते हैं। अब आते हैं हम अगले हार्मोन की तरफ, जो कि है प्रोलैक्टिन या ल्यूटेन, सॉरी लैक्टोजेनिक या ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन। ये सभी हार्मोन्स बार बार पूछे जाते हैं, तो याद करके इसको समझ कर याद करेंगे, और डिटेल इसके बारे में पढ़ना है तो आप कक्षा 12 के अध्याय 3 के वीडियोस को देख सकते हैं। अगला आपका जो हार्मोन है वो है छठवां हार्मोन, जो कि है प्रोलैक्टिन या लैक्टोजेनिक या ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन, इसे कहते हैं प्रोलैक्टिन यानी PRL या लैक्टोजेनिक या ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन। देखिए प्रोलैक्टिन का शब्द, देखिए लैक्ट शब्द आ रहा है ना, लैक्ट का मतलब लैक्टोज से, लैक्टोज शर्करा कहाँ पाया जाता है, दूध में। तो ये जो हार्मोन होता है वो मादा में दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध श्रावण को प्रेरित करता है, लेकिन या अंडाशय में उपस्थित कार्पस ल्यूटियम। अब ये क्या होता है कार्पस ल्यूटियम, तो डिटेल हम बता नहीं पाएंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो आप क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 में देख सकते हैं कार्पस ल्यूटियम किसे कहते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, अंडाशय में एक संरचना जिसके अंदर अंडाणु बंद होता है उसे हम फॉलिकल कहते हैं। फॉलिकल जब परिपक्व होता रहता है, तो जब अंडाणु को ये मुक्त करता है अंडाशय से, तो जो अंडाणु तो निकल गई लेकिन उसके बाहर जो संरचना फॉलिकल बचा हुआ है, फटने के बाद जो फॉलिकल बचता है वो नष्ट होने लगता है, उसी नष्ट होते हुए फॉलिकल को कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है, यानी डीजेनरेटिंग फॉलिकल इज कॉल्ड कार्पस ल्यूटियम।
तो इस कार्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टिरोन, ये प्रोजेस्टिरोन हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है, प्रोलैक्टिन। यानी प्रोलैक्टिन क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम से, कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टिरोन हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। लेकिन इसका मुख्य कार्य क्या है, दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव करना। तो आप इसमें लिख सकते हैं LTH यानी ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन मादा में अंडाशय में उपस्थित कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के श्रावण को उद्दीपित करता है। लेकिन प्रोलैक्टिन का मुख्य कार्य दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण का नियंत्रण करना होता है। बस लास्ट सातवां आता है आपका MSH यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन आप ऐसे यहां पर लिख सकते हैं, मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन, प्रेरक हार्मोन। मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन हमारी त्वचा को डायरेक्ट सन से आने वाले यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है। बस इसके बारे में इतना ही। लेकिन ये मेलानोसाइट अग्र पीयूष ग्रंथि के पार्स इंटरमीडिया द्वारा स्रावित होने होता है तथा यह त्वचा को सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। बस आज का टॉपिक बस इतना ही, जिसमें आपको पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले विभिन्न हार्मोन्स के कार्यों को बता दिया गया। अब इसके बाद जो ग्रंथि आती है वो होगा शायद पीनियल ग्रंथि, उसके बारे में आपको बताया जाएगा, फिर थायराइड ग्रंथि के बारे में बताया जाएगा। तो आज का टॉपिक बस इतना ही। आज के टॉपिक से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अग्र पीयूष ग्रंथि के पांच इंटरमीडिया द्वारा स्रावित होने वाले एक हार्मोन का नाम बताएं। नेक्स्ट, साइमन डिजीज साइमन रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। नेक्स्ट, महाकायता यानी गिगेंटिज्म किस हार्मोन की अधिकता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SCTH यानी एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन किस ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नर में क्या कार्य करता है और मादा में क्या कार्य करता है। नेक्स्ट, LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मादा में क्या कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतराली कोशिका उत्तेजक हार्मोन यानी ICSH नर में क्या कार्य करता है। नेक्स्ट, कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टिरोन हार्मोन के स्राव को कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि का कौन सा हार्मोन उद्दीपित करता है। यदि क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर लंबा लगता है कि क्वेश्चंस का आंसर ज्यादा लॉन्ग है तो आप अपनी कॉपी में जरूर आप इस क्वेश्चंस के आंसर्स को लिख लेंगे, ठीक है। आगे के टॉपिक्स के लिए आप थोड़ा वेट करिए, जल्दी प्रोवाइड करा दीजिएगा। तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।